प्यारे दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यहाँ हर त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और उनमें से एक राखी का त्योहार भी है, जिसमें बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है और भाई उसे जीवन भर रक्षा का वचन देता है। इसे साधारणतया भाई बहनों का ही त्यौहार माना जाता है, लेकिन ये केवल भाई बहनों का ही नहीं, पिता पुत्र, गुरु शिष्य, ननद भाभी, माता पिता, सारे रिश्तों को आपस में मजबूत बनाने का त्यौहार है। रक्षाबंधन को लेके कई सारी पौराणिक व ऐतिहासिक कथाएं हैं। उनमें से एक पौराणिक कथा जब श्री कृष्ण का किसी राक्षस का वध करते समय हाथ घायल हो गया था, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़ के उनका हाथ बांधा था और श्री कृष्ण ने उन्हें आजीवन रक्षा का वचन दिया था। इसी प्रकार महारानी कर्णावती, जो कि महाराणा प्रताप की दादी व महाराणा सांगा की पत्नी थी, वे जब अपने राज्य की रक्षा करने में असफल हो रही थी, तो उन्होंने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी और हुमायूं ने अपने वचन को निभाया और उनके राज्य की रक्षा की। इस त्योहार को श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कहा जाता है ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन ईश्वर ने मनुष्य को बनाया और इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए मनुष्य को गायत्री मंत्र दिया। इस दिन मंत्रोच्चार के साथ यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। ये यज्ञोपवीत केवल एक धागा नहीं, बल्कि गायत्री के चार शब्द ओम भूर भुवा स्वाहा, समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी व बहादुरी हैं, जिन्हें मनुष्य इस यज्ञोपवीत के साथ धारण करने का संकल्प लेता है। कंधों पर डाला हुआ यज्ञोपवीत मनुष्य को समय समय पर गायत्री की शिक्षाएं याद दिलाता है, जिससे सृष्टि सुचारू रूप से चल सके। इस पूर्णिमा पर हम में भी एक सकारात्मक मानसिकता का जन्म हो। हम सृष्टि की हर वस्तु, हर रिश्ते का सम्मान करें, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें। यही सच्चे मायने में हमारा रक्षाबंधन होगा।